पढ़ाई पढ़ते हैं उनके सबके 84 जन्म होते हैं। सिर्फ पढ़ने मात्र से ही 84 जन्म हो जाएंगे, देवता बन जाएंगे, या जो पढ़ाई पढ़ी है दूसरों को पढ़ाने लायक भी बनना है, है? तो पढ़ने मात्र से हो जाएगा, दूसरों को पढ़ाने लायक तब बनेंगे जब उस पढ़ाई को प्रैक्टिकल जीवन में खुद धारण करेंगे। तो कितने परसेंटेज निकलेंगे? पढ़ते तो बहुत हैं। ये किसने कहा सरेंडर नहीं होंगे? बाबा ने तो अभ्यतवाणी में बोल ही दिया था कि ये आखिरी समर्पण समारोह नहीं है, अभी दोबारा समर्पण समारोह भी मनावेंगे। तो ये तो आपने धारणा बता दी कि वो सरेंडर नहीं होंगे, सूर्यवंशी बनने के लिए सूर्य के सामने सरेंडर होना पड़े। जब शादी करते हैं तो नाक में नथनिया भी डालते हैं, कान में ये सारे अंग बांधे जाते हैं। सब अंगों में संस्कार धारण करने पड़े। मेरे से मैं तो खुद ही लेने वाला हूँ, मैं क्या किसी को दूंगा? बाप से मिलेगा। और है? हाँ, जोर से बोलो ना। जो स्वर्ग बोलते हैं उसमें सुख क्या क्या होता है? उसमें सुख क्या क्या होता है? अच्छा, दुख क्या क्या होता है? है यहाँ जो दुनिया में दुख है वो तो मालूम है कि नहीं? हाँ, तो वहाँ कोई दुख होंगे है? दुख तो नहीं होंगे, इतना तो याद है। इस दुनिया में जो दुख है वो दुख नहीं होंगे। तो जब दुख नहीं होंगे तो जहाँ कोई दुख नहीं होता है तो क्या हो जाता है? है नहीं, शांति हो जाती है। जब कोई दुख महसूस नहीं होता है, पहले कोई बहुत दुखी था, जैसे कोई को बहुत बुखार चढ़ जाता है, नस नस दुखती है, एक एक अंग दुखता है, बड़ी यंत्रणा महसूस होती है, खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर जब बुखार उतर जाता है तो ना, तो शांति आ जाती है। और शांति आने के बाद ही असली पता चलता है कि हमको क्या क्या चाहिए, तब सुख का पता लगता है। पहले पहले सुख मिलेगा अतिंद्रिय सुख। अभी कोई पूछे अतिंद्रिय सुख क्या होता है, है? तो समझाया जा सकता है नहीं? हाँ, जैसे इस्लामियों से पूछा जाए कि अभिविचार क्या होता है तो बताएंगे, है? कि अभिविचार क्या होता है और उसका सुख क्या होता है। अभिविचारी सुख के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं, उन्होंने वो रसगुल्ला कभी
खाया ही नहीं। ऐसे ही यहाँ बच्चा पूछता है, क्या पूछता है? नई दुनिया में सुख क्या होता है? इस दुनिया का सुख तो हमें मालूम है, क्या वो तो हम अच्छी तरह से रच पच गए, लेकिन वहाँ क्या सुख होता है पता ही नहीं। ऐसा सुख लेने से फायदा भी है कुछ? है नारायण नारायण को जहाँ दिखाया गया है, तो नारायण पहले नाग की तरह विकारी होगा 84वें जन्म में, होगा कि नहीं होगा? है, और वही नाग की बलि चढ़ानी पड़े, क्या वो सर्प की जो भी वासना है वो वासना की नारायण को भी बलि चढ़ानी पड़े, तो नाम पड़ गया। हाँ, और सबसे ऊंचा हाँ शांति चाहते हैं वो, इसलिए शांति चाहते हैं, वो इसलिए शांति चाहते हैं कि जब दुनिया का विनाश होगा तो उनकी बहुत थू थू थैया हो जाएगी। ये सन्यासी ऐसे मरेंगे जैसे पशु मरते हैं, ऐसे मुरलिम बोला। जैसे कुत्ते की मौत होती है ना, तो उसको कोई पानी देने नहीं जाता है। ऐसे दुनिया को जब पता चलेगा कि इन सन्यासियों ने 2500 वर्ष से हमको भरमाया है, धक्के खिलाए हैं, रौ रव नरक में इन्होंने डाला है उल्टी उल्टी बातें सुना करके, ये जानते थे कि हम भगवान नहीं है, फिर भी इन्होंने दुनिया के सामने अपने को भगवान साबित किया, तो लोगों को घृणा पैदा होगी या प्यार पैदा होगा? घृणा पैदा हो जाएगी। तो उन्हें अंत समय में इस दुनिया में किसी से प्यार नहीं मिलता, और भगवान को तो वो अपना दुश्मन ही समझ बैठते हैं कि इसने तो हमारी पूरी थू थू थैया करा दी। तो उन्हें सुख चाहिए, भगवान का वर्षा सुखधाम चाहिए या शांतिधाम चाहिए? वो कहते हैं स्वर्ग के सुख काग विस्तार समान, हमें स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, क्या चाहिए? हम तो शांति धाम में बैठे रहे, ये दुनिया हमको नहीं चाहिए, सुख की दुनिया भी नहीं चाहिए और दुख की दुनिया भी नहीं चाहिए। तो वहीं से उनके अंदर फाउंडेशन पड़ गया सन्यास का। रुद्रमाला के मणके जो हैं वो गोप हैं या गोपियां हैं, नहीं समझ में आता? हाँ,
बोलो बोलो, क्लास का टाइम हो चुका, नहीं बोलेंगे 5 मिनट तक बंद कर देंगे, क्योंकि जल्दी भागना चाहते हैं इसलिए। जैसा लिखा है वैसा ही होना चाहिए। जो लिखने वाले हैं वो देहाभिमानी हैं या आत्माभिमानी हैं? तो जैसा लिखा है वैसे ही कैसे हो सकता है? महाभारत में रामायण में काम करने वाले हैं है? जो नाम दिए हुए हैं वो काम के आधार पर दिए हुए हैं। वो काम कब हुआ? हाँ, अभी संगम युग में जो काम हो रहा है वो वहाँ नाम दिए हुए हैं, लेकिन जो नाम दिए हुए हैं उसके बारे में शास्त्र बनाने वालों को इस बात का पता ही नहीं है कि वो काम कब हुआ, किसने किया, किसने कराया। वो कर्तव्य कराने वाला कौन है और वो कर्तव्य अलग अलग प्रकार के करने वाले कौन हैं, जिन कर्तव्यों के आधार पर उनके चेहरे कोई के कौरव के, कोई के पांडव के बने, कोई के राक्षसी चेहरे बने, कोई के दैवीय चेहरे बने। वो श्रेष्ठ काम या निकृष्ट काम, उस काम के आधार पर नाम पड़ा है ये शास्त्र वाले नहीं जानते। अगर जानते होते तो नाम की महिमा करते या काम की महिमा करते है? काम की महिमा करते। भक्ति मार्ग में तो भगवान का नाम लो, भगवान से भी ज्यादा भगवान का नाम ज्यादा प्रभावी है, ऐसे बोल दिया। हाँ, और बाबा परसों राम की मौत नहीं दिख रही है, तभी मरे वो। परशुराम कितने कल आके दिखाए गए हैं कुछ पता नहीं। परशुराम को 4 कला का दिखाया गया, तो 4 कलाएं कलयुग में रह जाती हैं शुरुआत में, और कलयुग अंत में वो कलाएं भी खत्म हो जाती। तो वास्तव में भगवान के 24 अवतार होते हैं, 10 अवतार होते हैं, या भगवान का सिर्फ एक ही अवतार है? है, एक ही अवतार है। अज्ञानता के कारण भक्ति मार्ग में भगवान के 24 10 अवतार गिनाए दिए हैं, वास्तव में एक ही है, जिसके स्पर्श मात्र से ही परिवर्तन हो जाता है। तो उनका शस्त्र कहा जाता है परशुराम, फरसा, ऐसी मार मारने वाला शस्त्र है। उसको नेपाल में कहते हैं पारसनाथ, क्षत्रियों का नाश करने वाला है। क्षत्रिय फेलियर को कहा जाता है या पास होने वाले को कहा जाता है? फेलियर्स को क्षत्रिय कहा जाता है। तो सारी दुनिया तो फेलियर्स ही हो जाती है। उन फेलियर्स क्षत्रियों को
नेस्त नाबूद करने वाला। सब इस दुनिया से क्रॉस होकर के पार होकर के पार लोक में पहुंच जाते हैं। ऐसा पार लगाने वाला एक ही है, वो इस सृष्टि पर सदा का काबिज है। उसको कहा गया परशुराम। और प्रश्न लिखा है, बाबा एक मुरली में था, एक में ही था और में नहीं था, कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना हो रही है। कैसे हो रही है? हैं? हो रही है या हवा की बातें हैं? हैं? दिखाई तो कुछ पड़ता नहीं, तो किसी को दिखाई तो पड़ता होगा कि नहीं, कि सबको नहीं दिखाई पड़ता है? विष्णु द्वारा पालना की तो कोई बात ही नहीं, क्यों है? क्योंकि संपूर्ण स्थापना अभी हुई नहीं है। ऐसा परिवार कोई इकाई तैयार नहीं हुई है जिसकी पालना मानी जाए। हाँ, सिर्फ इतना कह दिया कि नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, उस नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ रहा है, और फाउंडेशन जो है उसको पक्की स्थापना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक तो फाउंडेशन गहराई में जमीन के अंदर खोद के डाला जाता है। आजकल जो मकान बनाते हैं चारों तरफ से पर्दा लगा देते हैं, कोई देख न सके। पहले ऐसा पर्दा नहीं लगाते थे, अभी लगाने लगे हैं। जैसे पहले शिवरात्रि की छुट्टी नहीं होती थी, फिर छत्तर से होने लगी, तो असली शुरुआत कहां से होती है? है? कोई भी कार्य की शुरुआत असली कहां से शुरू होती है? फाउंडेशन कहां से पड़ता है? पुरुषोत्तम संगम युग में। अभी पुरुषोत्तम संगम युग में नए मकान का फाउंडेशन पड़ रहा है, और फाउंडेशन डालने वाला दुनिया वालों के सामने प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, फाउंडेशन भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। ब्राह्मणों की दुनिया में भी सबको पता नहीं चल सकता, फाउंडेशन तो पड़ रहा है, स्थापना तो हो रही है, संगठन नई दुनिया का तैयार हो रहा है। उसको कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। स्थापना अर्थात स्थिर होना। किस बात में स्थिर होना? ब्राह्मणत्व में स्थिर होना। वो पारिवारिक इकाई का फाउंडेशन पड़ रहा है। ब्राह्मण बनने वाली नंबर वार वो आत्माए ब्राह्मणत्व में, पवित्रता में स्थिर हो रही है।
पवित्रता की, ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही है, ऐसे नहीं कहेंगे हो चुकी है। अगर हो चुकी है तो वो पारिवारिक इकाई और उसकी भांति आत्माएं प्रत्यक्ष होनी चाहिए या गुप्त होनी चाहिए? प्रत्यक्ष होनी चाहिए। वो पारिवारिक इकाई की आत्माएं कितनी होंगी? है 8 होंगी। वो अष्टदेव जो सारी दुनिया के पूर्वज माने जाते हैं, पूर्व माने पहले, ज माने जन्म लेने वाले, वो पहले पहले ब्राह्मणत्व में जन्म लेते हैं। अप्रत्यक्ष होने वाले हैं, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा। 3 मूर्तियों की प्रत्यक्षता में तो फिर भी लंबा टाइम लग गया, लेकिन अष्टदेवों की प्रत्यक्षता में ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा। उस समय वो पारिवारिक इकाई प्रत्यक्ष हो जाएगी, दुनिया वालों के सामने या पहले ब्राह्मणों के सामने? ब्राह्मणों के सामने। किसके द्वारा? वो पारिवारिक इकाई की स्थापना किसके द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। माने ब्रह्मा माँ भी होनी चाहिए और बाप भी होना चाहिए। तो स्थापना तो बाद में दिखाई देगी। जिसने प्रश्न लिख के दिया है उसकी आंखों में प्रैक्टिकल स्थापना करने वाला, ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने वाला दिखाई पड़ रहा है। अरे पहले स्थापना दिखाई देगी या स्थापना करने वाला दिखाई देगा? पहले तो करने वाला दिखाई दे। तो दिखाई दे रहा है, है? अरे उसमें भी डब्बा गोल। तो जब स्थापना करने वाला, विनाश करने कराने वाला और पालना करने कराने वाला ही बुद्धि में नहीं बैठा है, उसकी ही पहचान नहीं हुई है, तो फिर स्थापना कैसे हो रही है वो प्रैक्टिकल में कैसे देखने में आवेगा? विनाश कैसे हो रहा है वो प्रैक्टिकल में कैसे देखने में आवेगा? और विनाश तो होना ही है बाद में। पहले स्थापना होगी कि पहले विनाश होगा? पहले स्थापना, बाद में विनाश। और जब विनाश हो जाए तब होगी पालना। तो पालना हो रही है कैसे हो रही है और विनाश कैसे हो रहा है, ये सूक्ष्म बात मन बुद्धि के अंदर वाइब्रेशन तैयार होने हैं पहले या स्थूल में होगा, ये मन बुद्धि के अंदर पहले खाका के तैयार हो रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल में जो कार्य पहले होना है वो क्या है? स्थापना। वो स्थापना तो कम से कम दिखाई देनी चाहिए। स्थापना करने कराने के जो निमित्त हैं वो तो दिखाई देने चाहिए। अगर वो ही किसी को दिखाई नहीं देते हैं तो प्रश्न तो बना ही रहेगा, स्थापना कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, और फिर विनाश और पालना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और घूंघट में है,
कोई सी भी बुरी घटना होती थी तो शिवाजी महाराज के मुंह से जगदम्बा का नाम निकलता था, है? तो पूछा है जगदम्बा क्यों कहते हैं, अभी उसकी क्या शूटिंग हो रही है? तो भक्ति मार्ग में जो भी परंपराएं चलती हैं या चलाने वाले चलाते हैं, वो संपन्न स्टेज की शूटिंग की यादगार है या अधूरी शूटिंग की यादगार है? 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 संपन्न स्टेज की यादगार है। शिवाजी की लड़ाई आसुरी संप्रदाय से थी, उसका नाम क्या था? औरंगजेब, जिसकी बुद्ध रूपी जेब में और रंग भरे हुए थे। विविचारी रंग भरे हुए थे। तो असुरों का विनाश करने वाली कौन है? जगदम्बा। और इसकी सच्ची जानकारी वास्तव में किसको है? है? शिवाजी जानते हैं मैं करण करावन हार नहीं हूं, करावन हार है ऊपर वाला और करने वाली है जगदम्बा। तो किसका नाम ले? तो बुरा लगता है क्या? है? जो कर रहा है प्रैक्टिकल में उसी का नाम लेंगे ना। और अगला प्रश्न है, अभी उसकी क्या शूटिंग है? तो अभी ये फाइनल शूटिंग ये बीच में है, अधर में है? ये शूटिंग का काम अभी अधर में है या फाइनल हो रहा है? अभी भी अधर में है। प्रैक्टिकल शूटिंग तो विष्णु द्वारा होती है, विष्णु वाली आत्मा प्रैक्टिकली रंगमंच पर होनी चाहिए ब्राह्मणों की दुनिया में, तब सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और अंत में तमो शूटिंग हो। जब तमो प्रधान कलयुगी शूटिंग हो तब शिवाजी के मुख से निकले क्या क्या निकले? जय जगदम्बे। और प्रश्न दिया है, भक्ति मार्ग में सरस्वती की पूजा एक चित्र विशेष से होती है, है? उस चित्र में जैसे कि एक गमला दिखाया जाता है और उस गमले में चार दीपक जैसे जलते हुए ज्योति दिखाई जाती है। उसका बेहद का अर्थ क्या है? सीढ़ी के चित्र में थोड़ा इशारा दे दिया है, देवियों की पूजा कब होती है? जब चौथा युग शुरू होता है तब देवियों की पूजा शुरू होती है। सच की शूटिंग
त्रेता युगी शूटिंग, द्वापर युगी शूटिंग, उसमें प्रत्यक्ष नहीं होती। कब प्रत्यक्ष होती है? है कलयुगी शूटिंग में। तो चौथे युग की जब शूटिंग होती है तब प्रत्यक्ष होती है। तो चारों युगों का नजारा दिखाया गया है, वो ज्ञान का प्रकाश उस बुद्धि में भरा हुआ है, इसलिए वो चित्र जो है वो उसके चरित्र की यादगार है कि सरस्वती में चार युगों की शूटिंग का जितना ज्ञान भरा हुआ है उतना ज्ञान और किसी की आत्मा में नहीं हो सकता। वो ज्ञान की देवी कही जाती है। नाम पड़ता है जगदम्बा सरस्वती। भूख लगी है, दामा खाने में बुद्धि जा रही है। हाँ बोल ले, शर्म आ गई है। रामायण में दिखाया गया है कि जब राम रावण को मारते युद्ध जीतते हैं, रावण को मारकर युद्ध जीत जाते हैं, तो देवगण सारे पुत्र रक्षा करते हैं। देवगण जो होते हैं वो सारे पुत्र रक्षा करते हैं, तो उनमें शंकर पार्वती भी होते हैं। हाँ तो राम ने जो रावण के ऊपर युद्ध करके विजय पाई, वो राम तुम्हारी बुद्धि में कौन सी आत्मा है? कौन सी आत्मा है जो विजय पाती है? अरे भगवान कौन है? बस उन्होंने विजय पाई, तो शंकर पार्वती देवताओं के बीच में वो भी आकर के पुष्प वर्षा करते हैं। पुष्प माने फूल, जो आत्मिक स्थिति में हल्की फुल्की आत्माएं बन जाती हैं, वो आत्माएं उनके ऊपर अर्पण करते हैं। गंगा तो एक ही है, है? गंगा तो एक ही है, गंगा हाँ, गंगा हाँ, तो एक ही है। मान्यता है यहाँ पे हर डेढ़ दो साल में गंगा उदित होती है, डेढ़ या दो साल में एक बार गंगा उदित होती है। एक दो महीना पानी निकलता है फिर ऑटोमेटिक बंद होता है। मतलब बहस में क्या, अलग अलग और गंगा ऐसे निकलती है। यहाँ भी तो ऐसे ही है, जो असली गंगा है वो पूरे कल्प में एक ही बार तो प्रत्यक्ष होती है, उसकी यादगार यहाँ बनाते हैं कि एक वर्ष में दो चार महीने उसका प्रभाव रहता है फिर खत्म हो जाता है। ज्ञान गंगाएं निकली ही है अंत में। अंत में प्रत्यक्ष होंगी एक बार। चंद्रवंशी आत्माएं जब तक सूर्यवंशी नहीं बने, क्योंकि सारे ही चंद्रवंशी तो सूर्यवंशी नहीं बनते। क्या जो सरेंडर होते हैं वो सूर्यवंशी बनते हैं? अगर सरेंडर नहीं हुए
पत्नी, अगर पति के प्रति सरेंडर बुद्धि नहीं बनती है तो उसके कुल की कही जाएगी, नहीं कही जाएगी। और जब उसके कुल की ही नहीं बनी तो उसको जो मान्यता है, जो प्रभाव बैठा हुआ है बुद्धि में, पिता के कुल का प्रभाव बैठेगा या पति के कुल का प्रभाव बैठेगा? पिता के कुल का प्रभाव बैठेगा, तो वो तो पिता के कुल का गायन करेगी, सूर्यवंश का गायन थोड़ा ही करेगी। और सूर्यवंश का गायन नहीं करेगी तो सूर्य को पहचानेगी नहीं, सूर्य को पहचानेगी नहीं तो सूर्य का ज्ञान भी नहीं सुनाएगी, दूसरों को नहीं सुनाएगी तो खुद भी धारण नहीं होगा, खुद धारण नहीं करेगी तो सूर्यवंशी कैसे बनेगी? हाँ, तो वही तो संग के रंग से वो सूर्यवंश का रंग लगाना पड़े। हाँ, और अच्छा, ब्रह्मा बाबा की आयु बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? है ना, सूक्ष्म पतन की बात नहीं बता रहे। जब तक वो जीवित रहे उस जीवन काल में उनकी आयु ज्योतिषी कम बताते थे, और उनकी आयु बढ़ गई ऐसे मुरली में बताया है। तो जब वो बेसिक नॉलेज में थे, बेसिकली याद करते थे, तब ही उनकी आयु बढ़ गई। और यहाँ तो एडवांस में याद कर रहे हैं, यहाँ की याद में और वहाँ की याद में बहुत भारी अंतर है। वहाँ की याद निरंतर नहीं हो सकती और यहाँ की याद सहज होने के कारण निरंतर हो जाती है। इसलिए आयु बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है? तो 100 साल 100 से ऊपर हो जाए किसी की आयु तो क्या मुसीबत है? बाबा, हम महाराष्ट्र में भी बात बोलते हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र में कि शिवाजी ने जो पानीपत से युद्ध लड़ने को निकला था, कौन सा युद्ध? पानीपत से युद्ध। हाँ, तो भैया मतलब यूपी के लोगों ने धोखा दिया था वो युद्ध में। हाँ, ये सच है, कैसा मतलब ये बात? हाँ, पानी किसको कहा जाता है? ज्ञान जल को पानी कहा जाता है। जो ज्ञान जल है वो ज्ञान देने वाला कौन है? शिव बाबा, बाप। बाप की पत गवाना चाहिए या बाप की पत रखना चाहिए? हैं? रखना चाहिए। निश्चय बुद्धि अंत तक बन करके रहेंगे तो बाप की पत रखने के निमित्त बनेंगे, और अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे तो बाप की पत गंवा देंगे, क्योंकि बाप को भूल गए। तो महाराष्ट्र से कहां गुजरात, राजस्थान क्रॉस करके फिर हरियाणा में पहुंचे और वहां जाकर के पानीपत का युद्ध किया। क्या नाम क्या रखा? पानीपत। भगवान ने जो ज्ञान जल दिया उसकी पत न चली जाए, पत गवाएंगे नहीं, पत रखेंगे। और यूपी वालों ने क्या किया? उन्होंने धोखा दे दिया, तो क्या बड़ी बात हो गई? अरे, ज्ञान के ऊपर अटल निश्चय बुद्धि बन करके रहने वाला एक ही ध्रुव तारा है या सारे ही है? एक ही है। तो उसमें क्या यूपी और क्या हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट, सारे ही तो एक जैसे हैं। और है।
ये लिखा है बाबा स्वामी विवेकानंद की बुद्धि सर्वसामान्य मानवीय बुद्धियों में ज्यादा क्यों थी, यही प्रश्न है या कुछ और लिखा है? है, है? यही प्रश्न है ना? हाँ, भक्ति मार्ग में नाम आया गांधी जी, भक्ति मार्ग में नाम आया नेहरू जी, ये जो नाम आए हैं ये संगम युग की शूटिंग से मिलते जुलते नाम है या अलग से हैं? मिलते जुलते हैं। ऐसे ही ये विवेकानंद नाम भी है, काहे में आनंद लेने वाला है, विवेक में आनंद लेने वाला, और विवेक दिल की चीज है या दिमाग की चीज है? बुद्धि की चीज है। तो जब बुद्धि की चीज है और वो ज्ञान की बातों में ही विवेक में ही आनंद लेने वाला है, मनन चिंतन मंथन करने वाला है, तो जो बुद्धि होगी प्रैक्टिस करते करते, मनन चिंतन मंथन की प्रैक्टिस करते करते सामान्य लोगों की बुद्धि से तीव्र बुद्धि बन जाएगी या सर्वसामान्य ही रहेगी? तो क्यों का जवाब मिल गया, क्यों थी सर्वसामान्य बुद्धि और लोगों की, और विवेकानंद की बुद्धि ज्यादा क्यों थी, क्या कारण निकला? है अपनी गोट तो नशा चढ़े, और है 18 साल के बाद सौरव वर्मा ने फिर से जीत पाया इतना जोर से, है फिर से 18 साल का गैप होगा बीच में कांग्रेस गवर्नमेंट का, इतना जोर से जीता नहीं था, आज भारत भी फिर से इतने कौरव गवर्नमेंट ने जीत पा ली। और महाराष्ट्र में शिवसेना का जो गवर्नमेंट था इतना टाइम से चल रहा था, पूरी तरह से एक भी जीत नहीं आया महाराष्ट्र में। क्या हुआ? शिवसेना का जो सत्ता चल रहा था, शिवसेना का जो सत्ता चल रहा था, शिव शिवसेना की, हाँ एक भी सीट नहीं आई, सब हार गए। हाँ, और कांग्रेस ने जीत लिया। हाँ, कांग्रेस का सीट आया सब सारा। हाँ, तो क्या वो बुरा लग रहा है क्या? अति तो अंत की ओर आया, ये अति हो रही है, अभी तो राज्य हाथ में आया है, कुर्सी पर बैठना शुरू किया है, अभी कहाँ अति हुई है? अरे कोई राजा बने और कुर्सी पर बैठे तो अति हो जाती है, कुर्सी पर बैठने के बाद कुछ टाइम लगेगा, पहले सतो प्रधान पार्ट बजाएगा, फिर रजो बजाएगा, फिर तमो बजाएगा, तुमको अभी से ही अति दिखाई पड़ रही है कि डर गए? है नहीं डर गए, जो हो रहा है ड्रामा में कल्याणकारी हो रहा है। कोई ने प्रश्न किया है गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, ये प्रत्यक्षता अष्टदेव करते हैं कि कृष्ण वाली आत्मा करती है? अरे अभी तो बताया अव्वल नंबर कौन जाता है, है? कृष्ण वाली आत्मा अव्वल नंबर जाती है अष्टदेवों में, कृष्ण का भी बाप बैठा हुआ है, वो अव्वल नंबर नहीं आता है, कौन आता है? कृष्ण का पार्ट बजाने वाली
माता के रूप में पार्ट बजाने वाली, मृदुल पार्ट बजाने वाली आत्मा आती है, जो बाप का नाम बाला करती है। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। वो पहला पत्ता पहले साबित करता है, बाद में नंबर दूसरों को आता है। अरे पहले पढ़ाई पढ़ने वाला है कौन? पढ़ाई सारी किसके लिए पढ़ाई जा रही है? हैं? कृष्ण बच्चे के लिए पढ़ाई जा रही है? तो जिसके लिए पढ़ाई पढ़ाई जा रही है वही अव्वल नंबर में पढ़ाई पढ़ करके पास भी होता है, और वही आत्मा उस पढ़ाई के तंत्र को धारण भी करता है और संसार में प्रत्यक्ष भी करने के निमित्त बनता है। लेकिन किसके शरीर के द्वारा निमित्त है? राम वाली आत्मा के द्वारा निमित्त बनता है। और ओम शांति।